देखिए, नोटबंदी मेरी दिखा में तो सफल नहीं है। नहीं, ज्यादा तो सफल हुई है, हम जो 50% भी नहीं मान रहे। इस नोटबंदी से देश की आम जनता बहुत परेशान हुई है। रहा सवाल काला धन खत्म हुआ या नहीं हुआ, सरकार ने इतना लंबा समय दे दिया लोगों को चेंज कराने के लिए। इस दरमियान सभी सरकारी मशीनरी और इन सब ने मिल के भर पल्ले नोट आपस में बैंकों से इधर उधर अफरा तफरी करे। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि जो पैसा बैंकों के अंदर वापस हुआ है वो करीब करीब 90% पैसा जब वापस आ गया तो ये काला धन कहाँ गया? इसका मतलब सीधा सीधा है कि काला धन लोगों ने निश्चित रूप से वापस उसको एक्सचेंज कर लिया, ब्लैक मनी को फर्क पड़ गया। जिसके पास काला है वो दुगना करेगा, इससे भी काला धन, इससे भी दुगना उसके पास रहेगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती। देखिए, डिजिटल पेमेंट को भी मैं सफल इसलिए नहीं मानता क्योंकि हमारा देश 1,25,00,000 की आबादी का देश हो चुका है और हमारे यहाँ पर ये मान के चले आप कम से कम 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। या ज़्यादातर तो अभी हो रहा है, दुकान में भी लोग कार्ड से पेमेंट करते हैं, कैश का ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गया है, टू सम एक्सटेंड थोड़ा तो असर हुआ है। नहीं, ये सरकार ने तो बहुत अच्छा करा था लेकिन वो अच्छा हो नहीं पाया। अगर सरकार का ये सब सफल हो जाता ना तो ये राष्ट्र महान हो जाता, लेकिन इसको सरकारी मशीनरी ने नहीं सफल होने दिया। कारण है कि ये बात जरूर है कि नोटबंदी एक अच्छी चीज थी, हो जाना था, होने में जिन लोगों ने या ये हम ये कहें कि शासकीय मशीनरी बैंकों की मशीनरी ने जो इसको सही रूप में जो एडॉप्ट करना था या जो जिस ढंग से इसको करना था उन्होंने वो जो है कर नहीं पाए। मतलब वो उनका जो इंटेंशन है सही था, अभी कितना सफल होएगा वो दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव उनका जो है वो, लेकिन ज़्यादातर तो उसे अच्छा हुआ अभी तो।